जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर प्रेस क्लब के तत्वावधान में पत्रकार विनय पंकज के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मधुबनी जिला के एक हिंदी दैनिक अखबार के पूर्व ब्यूरो चीफ विनय पंकज के बीते दिनों सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर गुरुवार को जयनगर रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय सभागार में जयनगर प्रेस क्लब के तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महासचिव हनुमान मोर ने किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय विनय पंकज एक नेकदिल इंसान थे। मधुबनी कार्यालय में कार्य अवधि में इनसे मिलने का स्वभाव प्राप्त हुआ। उनका कलम खबर में चार चांद लगाने का काम किया है। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय पंकज कई तरह के ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया। उनके द्वारा लिखे कई खबरों के प्रकाशित से न्याय दिलाने का काम किया। इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके परिजनों के साथ खड़े हैं। श्रद्धांजलि सभा में पत्रकार विपनेश ठाकुर, मोहम्मद अली, शिव कुमार, पांडव प्रसाद यादव, पप्पू पूर्वे, संतोष शर्मा, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुरंजन सिंह, विजय कुमार सिंह, शिवशंकर चौधरी समेत अन्य मौजूद थे। माननीय पत्रकार विनय पंकज जी के आकस्मिक निधन पूरे पत्रकारिता जगत के लिए मर्माहत कर देने वाली खबर है और मेरे लिए तो अपना ही निजी अपूर्णीय क्षति है। मैं इनके ही सानिध्य में पत्रकारिता जगत में आया और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। 15 साल तक ये जागरण के प्रभारी रहे मधुबनी में और हम लोगों को पत्रकारिता की जगत में कैसे काम करना है इसकी बारीकियों को समझाते रहे। मुजफ्फरपुर जाने के बाद भी समय समय पर जब कभी ज़रूरत महसूस होती थी तो इनसे संपर्क स्थापित कर हम लोग इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहा। अचानक यह खबर जब मिली हम तो स्तब्ध रह गया और दुख बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इन्हें सत सत नमन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी चिरात्मा को शांति प्राप्त करना चाहिए। मेरे चीफ जस्टिस विनय पंकज जी बहुत ही शांत और मृदुर स्वभाव के व्यक्ति, वो अपने नीचे काम करने वाले जितने भी उनके कर्मी थे सभी को अच्छे तरीके से समझाना, गाइड करना, ये उनकी आदत थी। उनके साथ काम करने वाले लोगों ने उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा। हम लोगों को जब जानकारी मिली कि उनका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, उनके हम लोगों को बहुत ज़्यादा मर्माहत हुए और हम लोग आज प्रेस क्लब के द्वारा, जयनगर प्रेस क्लब के द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किए हैं और भगवान से ये कामना करते हैं कि वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें एवं उनके शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करें। हम लोग प्रेस क्लब के सभी साथी हर दुख की घड़ी में उनके साथ। दैनिक जागरण कार्यालय मुजफ्फरपुर कार्यरत विनय पंकज 2012 में, लगभग 2012 में वो मधुबनी में ब्यूरो प्रभारी के पद पर नियुक्त हुए। उस समय हमें भी उनके नीचे काम करने का मौका मिला और इनके नीचे काम करने में कभी हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। मार्गदर्शन हमेशा वो दिए, कभी कभी डांट भी देते थे कि बउआ ऐसे, बउआ हमेशा वो करते बउआ ऐसे वैसे। हम लोग ऑफिस में कार्यालय में जब भी गए तो उनसे कभी फील ही नहीं हुआ कि वो कोई सीनियर हमारे सामने है, ब्यूरो प्रभारी हमारे सामने। उनका उनके दौर में कई मामलों का उजागर उनके कलम से किया गया। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात के और से दैनिक जागरण के पूर्व ब्यूरो चीफ मधुबनी के जो थे विनय पंकज जी, उनका जो आकस्मिक निधन हो गया सड़क दुर्घटना में, उसी को लेकर आज श्रद्धांजलि सभा किया गया है। तो जयनगर प्रेस क्लब की ओर से सबसे पहले उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि और इस दुख घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विनय पंकज जी के आत्मा को शांति प्रदान करें। पता चला कि विनय पंकज जी दैनिक जागरण के बहुत ही बड़ी पत्रकार थे। सड़क दुर्घटना में विगत दिनों उनकी मौत हो गई। उन्हीं के शो के मृत्यु के पश्चात आकस्मिक निधन के को लेकर हम सभी लोगों ने जनरल प्रेस क्लब के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और शोक सभा का आयोजन किया गया और सभी हम प्रेस
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और जो झारखंड के पत्रकार थे और एक अच्छे पत्रकार रहते हुए भी एक अच्छे इंसान थे, आज उनका जो निधन हुआ यह काफ़ी दुखद है। भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड जहाँ भी हैं उन्हें शांति प्रदान कर, इस दुख के घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। निश्चित रूप से हम लोग से भी इनका बातचीत होते रहता था, हमेशा नए नौजवान को प्रमोट करने का इन्होंने काम किया, आज हम लोग के बीच नहीं है। जहाँ हो हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि वह शांति उनको है, उनके आत्मा को शांति मिले। और आज क्या कहा जाए, हम लोग उन्हें याद करते हैं, निश्चित रूप से उनके मृत्यु से कहे काफ़ी हम लोग मर्माहत, बहुत दुख के साथ होना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच विनय पंकज जी जो मधुबनी जिला के पूर्व ब्यूरो चीफ दैनिक जागरण के रह चुके हैं, उनका सड़क दुर्घटना में मौत हो गया और हमारे बीच नहीं। और एक आज जो है पत्रकार जयनगर प्रेस क्लब के द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे और इनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। आज विनय पंकज जी जो दैनिक जागरण के मधुबनी के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं, अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर में वो कार्यरत थे। जैसा जानकारी प्राप्त हुआ है कि सड़क दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया, सुन करके काफ़ी दुख हो रहा है। मैं इनके आत्मा के शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी गए हैं उनकी आत्मा की शांति प्रदान करें और उनके परिवारों का इस विपत्ति की घड़ी में सहने की वो ताकत दे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये विनय पंकज जी से दो चार बार हमें मधुबनी जाकर के मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हम गर्व से एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कह सकते हैं कि एक पत्रकार में जो गुण होना चाहिए वो विनय पंकज जी में कूट कूट करके भरा हुआ था। और जो भी ज्वलंत समस्या हम लोग इनके पास जा कर के रखते थे, निश्चित तौर पर अखबारों में जो है जगह इनके द्वारा दिया जाता था। आज ऐसे महामानव हम लोगों के बीच में नहीं है, तो हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से एक बार पुनः प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी जाए इनके आत्मा को आप शांति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। बहुत भावुक क्षण है और किसी भी परिवार के जो भी इस उम्र में और इस तरह दुर्घटना में किसी व्यक्ति का उसकी मृत्यु होती है तो उस परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूटता है वह अकल्पनीय है। इसलिए हम लोग आज संयोग से मैं यहाँ आया तो मालूम हुआ जो लोग शोक सभा कर रहे हैं बहुत अच्छा मैंने काम कर रहे हैं, इसलिए जो कि ऐसे पत्रकार का जो जुझारू और युवा पत्रकार थे, व्यक्तिगत संपर्क मेरा नहीं था लेकिन चेहरे यहाँ के कार्यगर नहीं था, लगा कि स्वभाव से बहुत ही सरल और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही निष्ठावान था। तो इसमें हम जो प्रेस क्लब के लोगों को धन्यवाद देते हैं जो इनको याद किए और इनके परिवार को भी याद करते रहे, यही मेरी कामना है। असली श्रद्धांजलि यही होगी और ये इस तरह का जो दुर्घटना में जो लाभ मिलता है या जो कुछ हो उसके लिए लोग सरकार से भी और अपने स्तर से प्रेस क्लब में जो कर सकें उसमें हम लोगों का भी सहयोग रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।